हाय, दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है पेरी पेरी सैंडविच एंड सबवे ब्रेड। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पेरी पेरी सैंडविच सबवे ब्रेड में बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जितना ग्रेटेड चीज लिया है, 100 ग्राम जितना डाइस्ड पनीर लिया है, 50 ग्राम जितना ग्रेटेड कैबेज लिया है और 1 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। आप फ्रोजन भी ले सकते हो, आपकी चॉइस। 2 ग्रीन चिलीज लिए हैं, वो ऐड करेंगे। 1.5 स्पून इसमें हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून जितना हम पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने मेरी आगे की रेसिपी में बताया है कैसे बनाते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। 2 टेबल स्पून हम मेयोनीज ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारा रेडी है, अब हम सबवे सैंडविच बनाएंगे। सबवे ब्रेड लिया है मैंने यहाँ पे, इसे मैंने 2 पीसेस में कट कर दिया है। एक पोर्शन पे हम बटर अप्लाई करेंगे। इस पोर्शन पे हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे, जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। अब इसे हम क्लोज कर देंगे और ऊपर के साइड हम बटर अप्लाई करेंगे। इसे हम अब ग्रिल करेंगे। इस ग्रिल पैन में हम सबवे सैंडविच ग्रिल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ग्रिल पैन को अच्छे से गर्म होने देना है। ग्रिल पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, जिस साइड हमने बटर लगाया था उस साइड हम पैन पे रखेंगे। 1 मिनट तक इसे हम इसी तरह से प्रेस करेंगे, सो दैट अच्छे से ये ग्रिल हो जाए। दूसरी साइड भी हम अच्छे से बटर अप्लाई कर देंगे। अब इसे हम फ्लिप करेंगे। अच्छे से ये ऊपर का साइड हमारा ग्रिल हो चुका है। पेरी पेरी सैंडविच एंड सबवे ब्रेड रेडी है हमारा टू सर्व।